गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस इन नेक्स्ट वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग लेसन नंबर 13 आर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एंड द टॉपिक इज क्रॉपिंग सीजंस इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के हम क्रॉपिंग सीजंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है, बोई जाती है। तो इन इंडिया वी हैव टू मेन क्रॉपिंग सीजन, इंडिया में दो मेन क्रॉपिंग सीजन है एंड दे आर रबी सीजन एंड खरीफ सीजन। ठीक है, दो क्रॉपिंग सीजन है जिसमें फसल बोई जाती है। तो रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर मंथ। ठीक है, जो रबी क्रॉप्स हैं, जो रबी सीजन की क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो कब ग्रो की जाती है, कब बोई जाती है, विंटर्स में, सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में उसको हार्वेस्टिंग मतलब उसको काट लिया जाता है। वीट एंड पल्सेस आर रबी क्रॉप्स। ठीक है, वीट, गेहूं और जितनी भी दालें हैं ये सारी रबी क्रॉप्स है। अब हम बात करते हैं खरीफ सीजन की। देखिए, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन विंटर। कब बोई जाती है? जस्ट इसका अपोजिट। एक आप लर्न कर लेंगे रबी सीजन, रबी क्रॉप, तो खरीफ आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। ठीक है, दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर देखिए, रबी में क्या होता है, रबी क्रॉप में क्या होता है, विंटर्स में ये बोई जाती है और समर में इसको काट लिया जाता है। इसका जस्ट अपोजिट है। इसको हम कब ग्रो करते हैं, कब बोते हैं, इसको समर्स में और विंटर्स में इसको हम काट लेते हैं। तो दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसमें सारे जितने भी राइस, मेज, जूट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी क्रॉप्स हैं ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट दिस टॉपिक इज कंप्लीट।